नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशरी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार में पीसीएस की पोस्ट आई हुई है उनके बारे में। आप सभी फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, मैं तो आपसे यही कहूँगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कितनी वैकेंसियाँ हैं। ये है 63वां संयुक्त प्रतियोगिता है, परीक्षा है, ये 63वीं है। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें देखते हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा के इसमें जो पद हैं वो टोटल जो पद हैं वो है 31। ठीक है, न्यूनतम आयु इसमें 22 वर्ष है और पुलिस की हैं 6 पोस्ट हैं, कम से कम 20 साल। बिहार वित्त सेवा के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 123 पोस्ट है, 22 साल कम से कम उम्र है। नियोजन पद सबसे ज़्यादा इसी की हैं, बिहार वित्त सेवा की 123 पोस्ट हैं टोटल। और नियोजन पदाधिकारी की पोस्ट है इसमें 3 पोस्ट हैं, 22 साल कम से कम न्यूनतम उम्र इसमें यह है। और बिहार कारा सेवा काराधीक्षक, ये है 9 पोस्ट। देख लीजिए आप, टोटल जो है 355 पोस्ट इसमें आई हुई है। श्रम प्रवर्तन प्राधिकारी इसकी 123 पोस्ट है, 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए। तो मैं तो आप सबसे बोलूँगी कि आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, पीसीएस परीक्षा है ये बिहार की। और ये देख लीजिए, बाकी आप इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे आपको बस ये बताना था कि आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। आप ये देख लीजिए इसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है, ये देख लेते हैं हम। ये इसके सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है कि मेंस के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं इसका। ये देखिए लास्ट डेट, रजिस्ट्रेशन जो होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ये होगा 13/11/2017 से 4/12/2017 तक, यानी कि आज से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं 13 नवंबर से। ठीक है, और चालान की इसकी लास्ट डेट होगी 4/12, यानी कि 4 दिसंबर लास्ट डेट होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि वो है 11 दिसंबर। ठीक है, आप इसको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं जिसकी लास्ट डेट होगी 18 दिसंबर। तो अभी दिसंबर तक तो ये फॉर्म फिल किए जाएंगे, आपके पास अभी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जो भी इसमें एग्ज़ाम में आने वाला हो। तो आप देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा और फॉर्म फिल आप कर दीजिएगा। बाकी आप देख लीजिए, इसका फॉर्म आज से ही भरे जा रहे हैं। तो और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।